हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मेसोन। आज मैं आपके लिए वेट लॉस स्मूदी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिससे आप एक हफ्ते में 3 kg तक वेट अपना लूज कर सकते हैं। और इसको अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट में लेते हैं तो आपको दोपहर तक भूख लगेगी ही नहीं। तो चलिए फिर जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं वेट लॉस स्मूदी रेसिपी। मेरी फर्स्ट स्मूदी है मैंगो स्मूदी, जो मेरी भी फेवरेट है। मैं एक जार में मैंगो लूँगी, 2 to 3 spoon कर्ड लूँगी, 2 to 3 spoon ब्राउन शुगर लूँगी, क्रश्ड आइस डालूँगी और उसे ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद इसको 2 घंटे के लिए हम रेफ्रिजरेटर में ठंडा होने के लिए रख देंगे। एक गिलास में मैं अब 2 tablespoon चिया सीड ले लिया, जो मैंने पहले से सोख करके रखे हैं। इसमें मैं चिल्स मैंगो स्मूदी ट्रांसफ़र करूँगी। अब हमारी मैंगो स्मूदी जो है वो सर्व करने के लिए रेडी है। अगर आपका ब्रेकफास्ट में कुछ हैवी खाने का मन नहीं है तो ये आप स्मूदी रेसिपी में जो है वो ट्राई कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे एप्पल स्मूदी। एप्पल स्मूदी बनाने के लिए मैंने एक एप्पल लिया है, जिसे मैंने पील करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। उसमें मैं एक बनाना भी लिया है। 1/2 spoon मैंने इसमें पीनट बटर डाला है। 2 spoon मैं इसमें ब्राउन शुगर डाल रही हूँ। 1/2 spoon मैं इसमें वनीला एसेंस डालूँगी। 1/2 glass मैं इसमें आलमंड मिल्क डालूँगी। 1 spoon मैं इसमें शुगर डालूँगी और थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डालूँगी टेस्ट के लिए, और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद हम इसको 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में ठंडा होने के लिए रख देंगे। एक गिलास में 2 spoon जो है चिया सीड डालूंगी, जिसे मैंने पहले से सोख करके रखा है। उसमें ही मैं एप्पल स्मूदी भी डाल दूंगी। अब हमारी जो है एप्पल स्मूदी सर्व करने के लिए रेडी है। अब हम बनाएंगे पीच स्मूदी। स्मूदी बनाने के लिए मैंने पीच को पील कर लिया है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसमें मैं एक बनाना डालूंगी। थ्री टेबलस्पून मैं इसमें ब्राउन शुगर डालूंगी। 1/2 spoon मैं इसमें वनीला एसेंस डालूंगी और 1/2 glass आलमंड मिल्क भी डाल दूंगी। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी क्रश्ड आइस और इसे से ब्लेंड कर लूंगी। ब्लेंड करने के बाद हम इसको 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में ठंडा होने के लिए रख देंगे। गिलास को चॉकलेट सिरप से गार्निश कर लेंगे। उसमें हम ठंडी ठंडी पीस स्मूदी डालेंगे। हमारी जो पीस स्मूदी है सर्व करने के लिए रेडी है। अब हम बनाएंगे प्लम स्मूदी। प्लम स्मूदी बनाने के लिए मैं एक जार में प्लम्स लूंगी। थोड़े से हम इसमें ब्लैक ग्रेप्स भी डालेंगे। थोड़ी सी ब्राउन शुगर डालूंगी। हाफ गिलास के करीब मैं इसमें आलमंड मिल्क डालूंगी। थोड़ी सी क्रश आइस भी डालूंगी इसमें। और अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूंगी। ब्लेंड करने के बाद इसको मैं 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में ठंडा होने के लिए रखूंगी।
साथ में मैंने 2 स्पून जो है वो चिया सीड लिए हैं, जिसे मैंने पहले से सोख करके रखा है। उसमें मैं ठंडी ठंडी प्लम स्मूदी डालूंगी। अब हमारी जो प्लम स्मूदी है वो सर्व करने के लिए रेडी है। अगर आपको मेरी ये वेट लॉस स्मूदी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से मेरी आने वाली वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।